Hello, my dear students. Welcome to RS Study Point. Good morning, प्यारे बच्चों. आज हम क्लास 9 का जो चैप्टर चल रहा था हमारा, कौन सा चैप्टर चल रहा है? 5. उसमें एक्सरसाइज थी 5.6. बेटा देखो, एक्सरसाइज थी 5.6. कई दिन से कोई प्रॉब्लम के कारण हमने ये नहीं बना पाई थी. आज 15 का पहला क्वेश्चन देखते हैं. देखिए, बहुत ही इजी है. क्वेश्चन लिखा है इन्होंने, बहुत ही सिंपल है. एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 12, ये लिखा है. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को भाग 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12. अब वही बात, 12 के ऐसे गुणनखंड करो बता कि एक आना चाहिए. 4 का 3 से गुणा किया 12 है, और 4 में से 3 घटाएंगे 1, देयर एक्स बराबर 4, 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर 12. इसका गुणा कर दीजिए, 4 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 12. यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है आपको, बताओ. एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ पर प्लस 3 मिलेगा, और एक्स स्क्वायर 3 चौके एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसे दोबारा चेंज कर देते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3. इसे जो सूत्र होता है वही पुराना, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3. बताइए बेटे, बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, मुझे पूरा यकीन है. सरली नोट कर लीजिए. इसी का सेकंड पार्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है. सेकंड पार्ट हमने ये लिखा है, एन की पावर 8 11 एन 4 एन 4 80 एन 8. कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही सिंपल है. 80 के ऐसे दो गुणनखंड करो जिन्हें घटा के 11 16 पंजे 80, और 16 में से 5 के बेटा 11 बचेगा. डियर यहाँ से देखो, कुछ कॉमन मिला है आपको. एम की पावर 4 कॉमन ले लिया, तो एम 4 16 एम 5 मिलेगा, और एम पे घात 4 मिलेगा, तो एम पे घात 4 16 पंजे 80 4 घात चला गया. एक ब्रैकेट में एम 4 60 दूसरे में एम 4 प्लस 5 एम. ठीक है, इसे दोबारा कंट्रोल करेंगे कैसे. देखो, एम स्क्वेयर का स्क्वेयर 16 को 4 एम स्क्वेयर का इससे नहीं होता है, इसे ऐसे ही छोड़ दो 5 है. अब इसे 1 में प्लस 1 में माइनस कर, और ये आपका जैसे का तैसा. अब इसे फिर चेक करेंगे, तो देखो एम स्क्वायर प्लस 4 एम स्क्वायर ऐसे ही रहने दो. इसे देखो एम प्लस 2 है और एम माइनस 2 है, और ये जैसे का तैसा. बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है बताइए. कोई प्रॉब्लम नहीं होगी.
क्लियर क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। पहले ही बोला था आपसे, कुछ है
गुणा किया तीन, तीन के ऐसे दो गुणा कर तीन चूटे चार, तीन एक अंक तीन, तीन और एक चार, एक प्लस एक चार हो गया, ये कर दिया। इसका अंदर गुणा करेंगे थ्री एक्स प्लस एक्स, यहाँ से कुछ कॉमन मिलेगा एक बटे दो, कॉमन मिला है एक बटे दो, तो ऊपर पहुँच गया छः। आगे ऐसे बेटा इसका ऐसे गुणा करते हैं, देखो एक बटे आठ का दो से दो चौके आठ चार, एक एक बटे चार के ऐसे दो गुणनखंड करो जो कि एक, बहुत सरल है, एक बटे दो का एक बटे दो से एक और आधा जोड़ेंगे एक आए, तो एक्स स्क्वायर एक बटे दो, इसका अंदर गुणा कर दो क्या मिलेगा यहाँ से देखो, तो ले एक्स तो एक एक्स यहाँ कॉमन नहीं मिला, भाग लग जाएगा, यहाँ से एक बटे दो लेंगे कॉमन एक्स चौके, ये और एक क्वेश्चन सेम है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, सिंपल सवाल है आपके, जल्दी नोट करें दोनों क्वेश्चन को। सिंपल क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन 18 तक आप सॉल्व करके लाएंगे, नहीं आएंगे तो मैं कल बताऊंगा, ठीक है बच्चों, कल फिर मिलते हैं, ओके।